हेलो गाइस, फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक को धमाकेदार रेसिपी शेयर करने आए हैं। इस रेसिपी का नाम है पीनट चटनी। यहाँ पर हमने पीनट चटनी को थोड़ा सा हटका बनाया है, जो देखने में यम है और खाने में बहुत ज्यादा यमी है। टेस्टी टेस्टी पीनट चटनी, जिसको आप इडली या डोसे के साथ सर्व कर सकते हैं। इस चटनी के साथ आपका डोसा या फिर इडली और भी ज्यादा स्पेशल लगने वाला है। तो चलिए टेस्टी टेस्टी पीनट चटनी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पीनट चटनी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा कप कच्ची मूंगफली की गिरी। मूंगफली की गिरी को हल्का सा सुनहरा होने तक रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है। इसको रोस्ट करने में मुझे 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। गैस की हीट के हिसाब से आपको टाइम कम या ज्यादा लग सकता है। दोस्तों, आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस चल रही है। उन सभी क्लासेस को देखने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन आप उन सभी क्लासेस को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर एकदम फ्री देख सकते हैं। इन सभी क्लासेस को देखने के लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने। गिरी के रोस्ट हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ी देर रोस्ट करने से मूंगफली की गिरी सुनहरी होनी शुरू हो गई है। रोस्ट करते समय मूंगफली की गिरी का छिलका आसानी से अलग हो जाना चाहिए। इस तरीके से गिरी हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच तेल। इस समय मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। चटनी बनाने के लिए तेल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 8 से 10 करी पत्ते। करी पत्ते से पीनट चटनी में अच्छा फ्लेवर बनकर आता है। चटनी में अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आपकी मूंगफली की गिरी एकदम ताजी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। चटनी में तीखापन देने के लिए मैं इसमें डाल दी 2 हरी मिर्च। आपको अपनी चटनी कितनी तीखी रखनी है उस हिसाब से हरी मिर्च लेनी है। अब मैं मूंगफली की गिरी को थोड़ा सा और भूनूंगी। भूनने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा नमक और डालूंगी। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। नमक आप पैन में न डाल करके चटनी को पीसते समय मिक्सी के जार में डाल सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट डालने के बाद मैं मूंगफली की गिरी को थोड़ा सा और भूनूंगी। लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक और भूनना है। दोस्तों, साउथ इंडियन की क्लास में मैंने इस चटनी से पहले कोकोनट चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। कोकोनट चटनी, जिसको आप स्पेशल इंग्रेडिएंट के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। पीनट चटनी की तरह हमने कोकोनट चटनी को भी टेस्टी बनाकर तैयार किया है। अगर आप कहीं और से इडली, डोसा या फिर साउथ इंडियन क्लास पेड में लेते हैं, तो आपको यही रेसिपी देखने को मिलेगी जो हमने आपके साथ शेयर की है। यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आपको पैसे खर्च करके क्लास लेनी है या फिर फ्री में रेसिपी देखनी है। थोड़ी देर और रोस्ट करने से मूंगफली की गिरी गोल्डन हो गई है। अब मैं कर रही हूँ गैस को बंद और इसको करूँगी एक प्लेट में। प्लेट में करने के बाद मैं इनको ठंडा होने के लिए रखूँगी। ठंडा हो जाने के बाद मैं इसकी चटनी बनाकर तैयार करूँगी। ये देखिए, थोड़ी देर में ही मूंगफली की गिरी ठंडी हो गई है। अब मैं इसको डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। डोसे या इडली के साथ अगर आपको कोकोनट चटनी पसंद नहीं है, तो आप पीनट चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। पीनट चटनी के साथ भी डोसा और इडली खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगता है। खट्टापन लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 इमली के टुकड़े। इमली को स्किप करके आप इसमें 1 छोटी चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं। चटनी में खट्टापन आपको अपने टेस्ट के हिसाब से रखना है। नमक आप रोस्ट करते समय पैन में न डालकर मिक्सी के जार में डाल सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ पानी। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्सी में घुमाना है। आपको अपने टेस्ट के हिसाब से चटनी की जैसी कंसिस्टेंसी रखनी है, उस हिसाब से इसमें पानी डालना है और मिक्सी में घुमाना है। मिक्सी में घुमाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मिक्सी में घुमाने के बाद यहाँ पर हमारी पीनट चटनी रेडी हो गई है। पीनट चटनी को मैं बाउल में करूँगी और उसके बाद मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। चटनी को बाउल में करते समय आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। चटनी आपकी न तो बहुत ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और न ही बहुत ज्यादा पतली होनी चाहिए। ये देखिए, आप हमारी चटनी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। चटनी की परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनाने के लिए यहाँ पर आपको 1 से 1.5 कप पानी लग सकता है। चटनी को बाउल में कर दिया है। अब मैं इसके लिए तड़का बनाकर तैयार करूंगी। तड़का पैन में मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हैं। तेल के हल्का सा गर्म होते ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/8 छोटी चम्मच हींग, 1/2 छोटी चम्मच राई के दाने, 8 से 10 करी पत्ते, 2 से 3 साबुत कश्मीरी मिर्च। इन सबको लो फ्लेम पर करना है हल्का सा रोस्ट। कश्मीरी मिर्च के रोस्ट हो जाते ही मैं कर रही हूँ गैस को बंद और इसको डालूंगी चटनी के ऊपर। दोस्तों, तड़के के साथ पूरी तरीके से पीनट चटनी बनकर तैयार हो गई है। पीनट चटनी, जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा सुपर है। हमारी रेसिपी से आपको अपनी पीनट चटनी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है।
विश्वास नहीं होता है तो इस रेसिपी को एक बार जो ट्राई कीजिएगा। रेसिपी के पसंद आने पर रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से हम साउथ इंडियन की क्लास में और भी बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पीना चटनी की रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास की आने वाली एक और न्यू रेसिपी हम आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाले हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।